मैं प्रोफेसर राजाकश कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 28 सालों से मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बच्चे का हर काम माँ को ही क्यों करा के देना पड़ता है, ये एक सवाल मुझे बहुत सारी माएँ पूछती है। यानी सुबह का समय, बच्चे का स्कूल का टाइम हुआ है लेकिन बच्चा नींद से उठता ही नहीं। माँ बोलते रहती है बेटा उठना, बेटा बोलता है मम्मी रुकना, फिर थोड़ी देर के बाद माँ बोलती है बेटा उठना, फिर थोड़ी देर के बाद, बार 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 यही चलता है। अब स्कूल जाने के लिए 15-20 मिनट का समय बचा है, अब माँ को गुस्सा आता है, अब ये माँ गालियाँ देते हुए बच्चे के पास जाएगी, उसकी चादर खींचेगी, उसको गालियाँ देते हुए हाथ पकड़ के खींचेगी, उठाएगी, बेसिन पे लेके जाएगी, ब्रश पेस्ट निकाल के देगी, गालियाँ देते देते उससे ब्रश करवाएगी, उसके नहाने के लिए पानी निकाल के रखेगी, उसका यूनिफॉर्म निकाल के रखेगी, उसकी सारी चीज़ें इकट्ठा करेगी, उसकी बैग भरेगी, उसका टिफ़िन भरेगी, आधे से ज़्यादा काम वो बच्चे के करके देगी, तब जाके बच्चा रेडी होगा और बस आने के 2 मिनट पहले बस स्टॉप पे पहुँचेगा। रोज़ यही चल रहा है। माँ बोलती है बेटा बड़ा हो गया अब तो सुधर, इतना बड़ा होने के बाद भी सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अब ये माँ परेशान हो जाती है। मनोविज्ञान की एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हर बच्चे के दिमाग में अपना काम खुद ही करना चाहिए, ये प्रोग्राम पैदाइशी फिट है, लेकिन ये प्रोग्राम किसी माँ ने एक्टिवेट ही नहीं होने दिया। थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में ही याद करके देखिए, जब ये बच्चा 1.5-2 साल का हुआ था तो इिस बच्चे ने पहली बार जिद की थी, माँ इस बच्चे के लिए खाने की थाली लेके गई। अब खाने की थाली बच्चे के सामने रखने के बाद बच्चे ने कहा मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खाना है। मम्मी ने बताया नहीं तुम अभी छोटे हो, मैं खिलाऊंगी, चुपचाप खा, क्योंकि मम्मी ने इमेजिन कर लिया कि अगर ये बच्चे को खाना खाने की परमिशन दे दूंगी तो ये बच्चा खाएगा कम गिराएगा ज़्यादा, एक जगह पे बैठेगा नहीं, पूरे घर में घूमते घूमते खाना खाएगा। बच्चे का खाना होने के बाद उस पूरी रूम भी धोनी पड़ेगी और बच्चे को भी नहलाना पड़ेगा, यार इतनी मेहनत कौन करेगा। इसलिए माँ बोलती है बेटा मैं खिलाती हूँ तुम चुपचाप खाओ, तुम अभी छोटे हो, अभी मैं तुमको खाने नहीं दूंगी। बच्चा जिद पे अड़ गया, नहीं मम्मी मुझे मेरे हाथ से खाना खाना है। माँ बोलती है नहीं मैं खिलाऊंगी। अब ये तू तू मैं 2-3 मिनट चला, माँ का पेशेंस ख़त्म हो गया। माँ ने एक झापड़ बच्चे को लगाई, बच्चा रोने लग गया और रोते रोते जब मुंह खोलता था मम्मी एक एक निवाला बच्चे के मुंह में डालती थी। इस तरह से बच्चे का खाना 5 मिनट में कंप्लीट। अब सिर्फ ये खाने के बारे में नहीं हुआ, जब नहाने की बात आई तो बच्चे ने कहा मुझे अपने हाथ से नहाना है, जब कपड़े पहनने की बात आई तो बच्चे ने कहा मुझे हाथ से कपड़े पहनने, जब जूते पहनने की बात आई तो बच्चे ने कहा मुझे पहनने, लेकिन हर बार माँ एक ही जवाब देती थी मैं करके देती हूँ तुम अभी छोटे हो। अब बच्चों ने इन चीज़ों के लिए कुछ दिन जिद करते गए लेकिन माँ नहीं मानी, हर काम माँ ही करके देने लगी। अब बच्चे ने जिद करना भी छोड़ दिया क्योंकि उसके दिमाग में बात रिकॉर्ड हो गई, मैं कितनी भी जिद करूं मम्मी मुझे अपने हाथ से काम करने की परमिशन नहीं देगी, और यही बात बच्चे के दिमाग में रिकॉर्ड हो गई और वो हर काम अपने मम्मी से करवाने लग गया, यही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना। अब ऐसा होते होते 2-4-5 साल के बाद घर में दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। जिस दिन दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो माँ और ये छोटा घर में आया हुआ बेबी दोनों बेड रेस्ट कर रहे हैं। बड़ा बच्चा मम्मी के पास आता है मम्मी खाना खिलाओ, और ये मम्मी बड़े बेटे के हाथ में प्रमोशन लेटर पकड़ा देती है, बेटा अब तू बड़ा हो गया अपने हाथ से खा। अब ये बच्चा नहीं मानेगा, तुम खिलाओगी तो खाऊंगा नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज तक
माँ के हाथ से खाने की आदत माँ ने ही इस बच्चे में डाली हुई है। अब वो जिद पे अड़ गया, माँ तो खिला नहीं सकती, लेकिन माँ के देखभाल करने के लिए जो दूसरी सीनियर लेडी घर में है, नानी होगी, दादी होगी, वो इस बच्चे को, बड़े बच्चे को उसके सारे काम करवा के देती है। और जो गलती बड़े बच्चे के बारे में की, वही गलती छोटे के भी बारे में मम्मी करती है, और फिर सारे काम दोनों बच्चों के माँ को ही करने पड़ते हैं। बच्चा चाहे कॉलेज में चला जाए तो भी हर काम माँ को करने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। अब माएँ मुझे पूछती है कि सर अब इसको कैसे बदला जाए। बहुत आसान सा तरीका है, बच्चा भलाई 8वीं में होगा, 9वीं में होगा, 11वीं 12वीं में होगा, जिस किसी क्लास में होगा, रात में बच्चे को बड़े प्यार से एक बात बता देनी है कि बेटा कल तुम्हारा स्कूल है। अलार्म होने के बाद मैं एक बार आवाज़ दूंगी, एक बार उठाऊंगी, दोबारा नहीं उठाऊंगी। अब बच्चा इस बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। दूसरे दिन जब सुबह होगी, अलार्म बजेगा, तो माँ ने बड़े प्यार से एक आवाज़ देनी है, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ। अगर बच्चा नहीं उठता है, दोबारा बच्चे को उठाना नहीं है, सोने दो, आवाज़ नहीं देनी है, क्या होगा? अगर उसका 8 बजे का स्कूल है तो उसकी नींद खुलेगी 9 बजे 9:30 बजे। जब 9 साढ़े 9 बजे नींद खुलेगी तो हड़बड़ा के उठेगा और गुस्से से मम्मी के पास आएगा, मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं। तब बड़े प्यार से बच्चे को बताना है, बेटा कल रात में ही बताया था कि मैं एक आवाज़ दूंगी, दोबारा आवाज़ नहीं दूंगी। अब वो ब्लेम करेगा, मम्मी तुम्हारे वजह से मेरी स्कूल मिस हो गई। बड़े प्यार से बताना है, बेटा मेरे वजह से स्कूल मिस नहीं हुई, तुम लेट उठे इसलिए स्कूल मिस हुई है। अब ये बच्चे को 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग आएगा, मेरी स्कूल मिस हो गई, आज मैं लेट उठा। लेकिन 5-10 मिनट के बाद उसे बड़ी खुशी होगी, यार चलो अच्छा है स्कूल मिस हुई, आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। दूसरे दिन फिर से रात में उसको ये बताना है, बेटा कल एक ही आवाज़ दूंगी जैसे आज दिया था, दोबारा नहीं उठाने वाली हूँ। बच्चा अब भी सीरियसली नहीं लेगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बच्चे की स्कूल 2-3 बार मिस होते जाएगी। डांटना नहीं है माँ को, पीटना भी नहीं है, गाली भी नहीं देनी है। 2-3 दिन बच्चे की इसी तरह से स्कूल मिस होते रहेगी, ऐसे समय बच्चे को डांटना नहीं है, कुछ निगेटिव बोलना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहो। 3रे दिन बच्चे के अंदर एक गिल्टी फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो महसूस करने लगेगा कि 3 दिन से मेरी स्कूल मिस हो रही है। फिर रात को उसको बताया, बेटा कल एक आवाज़ दूंगी। 4थे दिन अलार्म होने से पहले ही बच्चा उठ जाएगा। जब समय पे उठेगा तो सारे अपने काम खुद कर सकता है, क्योंकि हाथ में समय है। अब एक दिक्कत जरूर आएगी, स्कूल जाते समय ये बच्चा कहेगा, मम्मी स्कूल के लिए लेटर दो। मम्मी को बताना है कि ठीक है लेटर देती हूँ, मैटर क्या है ये जरा आप सुन लो। मम्मी मैटर बताती है, पिछले 3 दिनों से 7 बजे की स्कूल होने के बावजूद हमारा बच्चा 9:30 बजे उठता था, लेट उठने की वजह से इसकी स्कूल मिस हो रही थी। इस गलती के लिए आपकी स्कूल बाकी बच्चों को जो पनिशमेंट देती है, ऐसी ही पनिशमेंट अगर आपने हमारे बच्चे को दी तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये मैटर जब माँ बच्चे को बताएगी तो बच्चा कहेगा, मुझे लेटर नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूँगा, और वो सही में मैनेज कर लेगा। लेकिन इस बात से बच्चे के दिमाग में एक मैसेज चला जाएगा कि अब मम्मी कुछ नया सीख के आई है, अब मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक काम बच्चा खुद ही करने लगेगा। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। बहुत सारी माओं को मैंने ये टेक्निक सिखाई और मैंने ये देखा कि काफ़ी बच्चों में बदलाव आया, वो बच्चे खुद अपना काम करने लगे, सेल्फ सफिशिएंट होने लगे, अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेने लगे। अगर इस तरीके से
आप भी अगर इस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो आपको भी ये बदलाव अपने बच्चों में दिख सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बच्चे अगर खुद इनिशिएटिव लेके कुछ काम करते हैं तो उनको एनकरेज कीजिए, भला ही उनसे गलतियाँ हो रही हो करने दीजिए। अगर उनको आप अपना काम खुद करने के लिए एनकरेज करोगे, बच्चे खुद होके करते जाएंगे तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और वो बहुत सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगेंगे। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, 2-3 साल के हैं, तो आप माओ के लिए तो अभी से ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये छोटे छोटे बच्चे जब ये कहेंगे माँ मुझे अपने हाथ से करने दो, तो आप अपने बच्चे को वो चीज़ें करने का मौका देते जाएंगे और माँ करने दीजिए, अपने काम नहीं करवाने पड़ेंगे। भलाई गलतियां करेंगे चीजें, अगर आप भलाई थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन उनको वो काम अपने हाथ से इन सारी चीजों का प्रयोग कर दे, 2-3 बार 4 बार गलतियां करेंगे लेकिन बहुत जल्दी धीरे धीरे अपना काम खुद करना ये सीख जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी। इसी तरह से एक माँ को मैंने ये ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक अवस्था में दे दी थी, जब उसका बच्चा 5-6 महीने का था। जैसे ये बच्चा 15-16 महीने का हो गया और जब ये बच्चे ने जिद की मम्मी मुझे अपने हाथ से नहाना है, माँ ने उसको परमिशन दे दी, ठीक है बेटा नहाओ। अब ये बच्चा जब बाथरूम में नहाने के लिए गया तो 2-3 घंटे नहाते रहा, सर्दी खांसी हो गई, लेकिन 2-3 बार पानी के साथ खेलने की क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। जिस दिन उसकी पानी के साथ खेलने की क्यूरियोसिटी खत्म हो गई उस दिन से 5 मिनट में नहा के आना सीख गया। इस तरह से जब भी कोई छोटा बच्चा बचपन में अगर ये होता है, बच्चे अगर अपना काम खुद करना चाहते हैं तो उनको मौका दीजिए, उनको करने दीजिए। शुरू से ही बच्चे सेल्फ सफिशिएंट होते जाएंगे और माँ को बच्चों के काम नहीं करवाने पड़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो, अपने बच्चों के ऊपर इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हो, तो आपका बच्चा धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होता जाएगा, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीख जाएगा।